रस वालिया के हाँ? हमें क्रिसमस पे किसी क्या कह रही हो? हाँ? क्रिसमस पे हमें किसी क्रिश्चियन फ्रेंड को गिफ्ट देना चाहिए कि नहीं? तुम्हारी खुशकिस्मती है कि क्रिश्चियन के साथ न्यू ईयर भी तो आ जाता है, तो न्यू ईयर पे गिफ्ट गिफ्ट दे दो बजाय क्रिसमस के। मैं सारे हमसायों को इधर उधर भेजता हूँ तो बजाय ग्रीटिंग्स भेज देता हूँ, न्यू ईयर ग्रीटिंग कार्ड भेज देता हूँ या कोई चीज़ भेजता हूँ, तोहफा भेज देता हूँ, चॉकलेट भेज देता हूँ। तुम भी दे दिया करो, ज़रूरी है क्रिसमस के नाम पे? तो क्रिसमस तो वैसे झूठ है। क्रिसमस क्या है? क्रिसमस क्या चीज़ है? उनकी एक किस्म की हाँ? ईद है उनकी, जैसे हम किस लिए ईद करते हैं, किस लिए मनाते हैं पता है तुम्हें? तुम्हें पता ही नहीं तो क्रिसमस को गिफ्ट देने की क्या जरूरत है तुम्हें? तुम्हें यही नहीं पता क्रिसमस क्या चीज़ होती है? कब से यहाँ वो रहती हो? हम अक्टूबर में हैं, कहाँ से? पाकिस्तान पाकिस्तान से। से दूर में आए हो? तो पहले तो पता कराओ ना क्रिसमस क्या चीज़ है, ये बताएगी तुम्हें। दो इसको माइक्रोफोन। वो बिलीव करते हैं कि नहीं, क्रिसमस किस लिए मनाते हैं? के जीसस की बर्थडे है। बर्थ है तो जीसस की बर्थ तो हुई नहीं थी, दिसंबर में, ऐसे ही गलत है। अब तो ईसाई खुद भी कहने, बाज़ लोग मानने लग गए हैं कि गलत है, क्योंकि तारीख ये कहती है कि वो जुलाई अगस्त में पैदा हुए थे, सर्दियों में तो पैदा ही नहीं हुए थे, जब खजूरों का मौसम था और मरियम ने हटाया हिलाया तो खजूर गिरी हैं, और फिर ठंडा पानी पिया, ठंडे पानी की भी ज़रूरत थी, गर्मियों में पी सकते हैं, सर्दियों में तो ठंडा पानी की जगह हो जाता है। तो सारी चीज़ें, एक तो हम वैसे ही इस चीज़ को नहीं मानते कि ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश दिसंबर में थी, दूसरी बात यह है कि क्रिसमस के लिए अगर वो कहते हैं उनको तुमने, अब बच्चे बच्चों में कॉन्सेप्ट है, जो बड़े हैं अक्सर तो ला दीन और ला मजहब हो गए हैं, हैं वो तो खुदा को नहीं मानते, तो उन्होंने क्रिसमस ईसा को क्या मानना है? ठीक, इसलिए तुमने अगर कोई बहुत गहरी सहेली है ना और तुम्हारा गिफ्ट देने को दिल चाह रहा है तो न्यू ईयर का गिफ्ट दे दो, ये 1 जनवरी को या 31 दिसंबर को या 28 29 दिसंबर को भी दे सकती हो, 26 दिसंबर को दे सकती हो, लेकिन न्यू ईयर ग्रीटिंग करके।